वेलकम टू माय चैनल अविका डेकोरेटिव होम। ये मेरे पास ओल्ड मॉडल कार का सीट कवर है। अब इसको इसमें जॉइंट करना है और ये कुछ छोटा भी है चौड़ाई में, तो अब इसे कैसे जॉइंट करेंगे आइए देखें। तो ये ऊपर का पार्ट है, तो हमने इसकी रस्सी निकाल दी। अब इसको पलट देंगे, पलटने के बाद यहाँ पे सिलाई खोल देंगे। यहाँ पे लगभग 3 इंच या 4 इंच के लगभग सिलाई खोल देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि केवल जो आगे वाला पार्ट है छोटा, उसी का जो है कि सिलाई खोलेंगे, पीछे वाले भाग का सिलाई नहीं खोलना है। मैंने सिलाई ओपन कर ली है। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो आगे का पार्ट है, इसकी लंबाई नापेंगे। यहाँ पे लंबाई इसकी 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग जो है गोलाई में देंगे। इसको पलट देंगे, ये पीछे का पार्ट है। अब इसकी लंबाई नापेंगे, इसकी लंबाई 9 इंच है। अब यहाँ पे जो साइड वाला है उसको फर्स्ट वाले लाइन से और बैक लाइन से इसको इस तरह मिला देंगे। साइड भी उसी तरह दोनों लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे मेरी सिलाई थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो इसलिए मैं निशान लगा रही हूँ फ्रंट वाले, जितना फ्रंट का लाइन है उस हिसाब से अब इसको मिला देंगे। मार्जिन लाइन से नीचे से कटिंग करेंगे। ये कॉर्नर का साइड है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और दूसरे भी कॉर्नर पे लाइन खींच लेंगे। लगभग ये 15 इंच का होना चाहिए, तो 15 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। तो अब इसको जहाँ पे हमने मार्जिन लगाया है वहाँ तक इसकी दोनों साइड सिलाई खोल देनी है ऊपर से। तो यहाँ पे मैं नाप रही हूँ, तो ये 15 इंच है। अब इसकी सिलाई खोल देंगे।
यहाँ पे मेरी सिलाई खुल गई है। अब ये देखिए ये पट्टी है जॉइंट, तो इसको भी ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी ओपन कर दिया है। यहाँ पे मैंने सिलाई खोल दी है और इस पट्टी को कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है इसको बैक वाला जो साइड है उसको इस तरह पकड़ेंगे और बीच में कटिंग कर देंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे बैक वाला पार्ट है, तो इसको भी कटिंग कर देंगे। और जो नीचे का पार्ट है, जो कढ़ाई दिख रही है डिजाइन बना हुआ, वो फ्रंट पार्ट है। तो अब इसको छोटा वाला जो पार्ट है नीचे की साइड रखेंगे और ये जो बड़ा वाला है उसको ऊपर की साइड रखेंगे। तो इस तरह इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे इसको दोनों को जहाँ पे कटिंग की है उसको इस तरह मिलाएंगे। अब इसको मिलाने के बाद यहाँ पे इसको इस किनारे से लेके ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब इसे कच्चा कर देंगे इस तरह। यहाँ पे बैक साइड हमने कच्चा कर दिया है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको भी इस तरह रख कर कच्चा कर देंगे। ये सेंटर में रख के कच्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने कच्चा कर लिया। अब इसको इस तरह पलट देंगे। तो ये देखिए इस तरह जॉइंट हो गया है फ्रंट और बैक साइड। अब ये साइड वाला पार्ट है फ्रंट का जो हमने ओपन किया था, इसको यहाँ पे मैं नाप रही हूँ कि ये 3 इंच है कि नहीं। और 3 इंच नहीं है तो उसको थोड़ी सी और सिलाई खोल देंगे और 3 इंच तक इसकी दोनों साइड में सिलाई खोल देंगे। यहाँ पे मैंने जो फ्रंट और बैक कच्चा किया था उसे मैंने मशीन से सिलाई करके पक्का कर दिया है। अब यहाँ साइड जो साइड की सिलाई करनी है, तो यहाँ पे जो है कि ये जो पट्टी है ये देखिए इस तरह है। तो अब इस पट्टी को इसमें जॉइंट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। तो इसे मैं सुई धागा से कच्चा कर लूँगी। ये मुझे अपोजिट साइड पड़ा था इसलिए मैंने इसको पलट दिया है। अब यहाँ से देखिए मैं इस तरह इसको सिलाई करके जॉइंट कर दूँगी। देखिए इस तरह पकड़ते हुए जॉइंट करते चले जाएंगे।
यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके ऊपर मशीन चला देंगे, मशीन से इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है पट्टी का, उसे कट कर देंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मशीन से सिलाई कर ली है, अब इसको कट कर दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये सिलाई हो गई है। अब इसको पलट देंगे। ये मेरे गाड़ी की सीट कवर तैयार हो गई है। तो आप भी अगर कोई ओल्ड ऐसे पड़ा हो सीट कवर, तो उसको भी आप नए गाड़ी का जो मॉडल है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। उसका बॉडी मेजरमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको नाप के कट करके बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।